में बनाऊंगी उत्तराखंड की बहुत ही फेमस डिश आलू की खिचवाड़ी है। इसको चावलों के साथ खाया जाता है, ये उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है। चलो आइए शुरू करते हैं अपनी डिश को। इसके लिए मैंने आलू को धोकर रख लिया है। अब मैं इन आलू को इस तरह से कूटूंगी। इन आलू को मैं छिलके सहित कूटूंगी। इसके लिए हमने छोटे साइज के आलू लिए हैं। इन आलू को मैं सिलबट्टे में इस तरह से कोट लूंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इनको ज्यादा बारीक नहीं करना होता है, इसी तरह से कूटना होता है। देखिए इसी तरह से हम सारे आलू को कर लेंगे, बारी बारी से सिलबट्टे में कोट लेंगे। हमने आलू को कूट के रख लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने रखा है धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, जीरा। अब हम इसको सिलपट्टे में पीस लेंगे। अब हम मसाला पीस रहे हैं। मसाले को हम बारीक पीसेंगे, हल्का बारीक, ज्यादा बारीक नहीं करेंगे। मसाले से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। आलू की खिचवाड़ी बनाने के लिए हमेशा छोटे साइज के आलू का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको छिलका सहित कूटना चाहिए। फ्रेंड, हमने मसाला पीस लिया है, देखिए ऐसा है। अब हम आलू की खिचवाड़ी बनाएंगे। हमने इसके लिए प्याज काट के रख लिया है। प्याज, टमाटर और मसाला पीस के रखा हुआ है। आलू को हमने कूट के रख लिया है। जैसे ही तेल गर्म होएगा हम इसमें प्याज डालेंगे।
प्याज को भून लेंगे। प्याज भून जाएगा, इसके बाद हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज के साथ सही से भून जाए। हमारा मसाला भून चुका है, मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब गैस को धीमा कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची रखते हुए हम ध्यान रखेंगे, हमने पहले भी इसमें हरी मिर्च रखी है, मसाला पीसते हैं। अब हम इसमें हल्का सा पानी रखेंगे ताकि हमारा मसाला पक जाए। अब हम मसाले को पका लेंगे। जैसे ही मसाला पक जाएगा वैसे हम इसमें आलू डालेंगे। हमारा मसाला पक चुका है, अब इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो हमने आलू रखे हुए थे उनको हम डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। हम पानी मिलाएंगे। पानी आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। ये सब्जी चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, इसको चावलों के साथ खाया जाता है। ये सब्जी उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है। देखिए फ्रेंड, हमने इसमें इतना पानी डाला है, हमने अपने हिसाब से बना रहे हैं इसको, जितनी हमको जरूरत है हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। जैसे इसमें एक उबाल आएगा मैं इस गैस को धीमी कर लूंगी। धीमी आंच पर इसको मैं आधे घंटे पकाऊंगी। आधे घंटे बाद सब्जी सेट हो जाएगी। अभी सब्जी उबलने लगी है, जैसे इसमें उबाल आएगा मैं इसमें ढक्कन लगा लूंगी। और इसको आधे घंटे के लिए धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दूंगी। धीमी आंच पर उबलने से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, और भी टेस्ट इसका निखर के आएगा। और बीच बीच में इसको हिलाती रहूंगी ताकि तले में ना लगे। सब्जी को मैंने ढककर रख दिया है, अभी आधे घंटे तक मीडियम आंच पर पकेगी और बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बन चुकी है, देखिए। देखिए कितनी गाढ़ी लग रही है।
आलू को भी चेक कर लेंगे, आलू पक चुके हैं। हमने इसके लिए चावल बना के रख लिए हैं, अब हम इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। हम आलू की थेचवानी को चावल के साथ सर्व कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड ये कितनी अच्छी लग रही है, आप भी ऐसे ही बनाइए। देखिए फ्रेंड हमारी थिचवाणी हमने चावलों के साथ सर्व करी है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम इसको खाएंगे गर्म गर्म। फ्रेंड्स आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल राधा की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।